हेलो दोस्त, आवर रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साथ ही देखेंगे ज्वाइनिंग लेटर में कौन कौन से पेपर आते हैं और यह भी बात करेंगे कि 2018 ग्रुप डी की ज्वाइनिंग 2021 जुलाई में क्यों इतनी लेट आके क्यों हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है रेलवे ग्रुप डी, इसको निकालते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या क्या चीज़ें देती हैं, तो ये पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना बोर्ड में हमारा सिलेक्शन हुआ है और विस्तार से वीडियो पे आगे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी शॉर्टली हम लोग ब्रीफ में जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपको टर्म ऑफ कंडीशन फर्स्ट पेज में लिखा होता है, सेकेंड पेज में आप रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो इसका टर्म ऑफ कंडीशन लिखा रहेगा, तीसरा में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और चौथा में आपको चेकलिस्ट रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है क्या करना है, और पाँचवा सत्यापन फॉर्म रहेगा जो चार पेज का होगा, इसे भरकर ले जाना है आपको और किसी गजेटेड दो ऑफिसर से साइन कराना है। और यहाँ पे एक फॉर्म जो करेक्टर मिलेगा उस पर भी दो गजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर करा के आपको ले जाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि इतनी लेट ज्वाइनिंग क्यों। 2018 ग्रुप डी लगभग 2019 में सबकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में जिनका नाम आया डीवी का कटअप जो नीचे गया तो कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 1.5 साल हम लोगों की लेट ज्वाइनिंग हो रही है। तो ब्रीफ में जानते हैं कि इस रेलवे का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर की आएगा, साथ ही साथ उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका दौड़ होता है, फिर मेडिकल के लिए आपका चयन होगा, मेडिकल पास करने के बाद आपका पैनल बनेगा, पैनल के बाद आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ज्वाइनिंग आने के बाद एक खुशी अंदर से होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे और भी ब्रीफ मतलब विस्तार से जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा स्ट्रैटेजी रिजल्ट से रिलेटेड, उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड, दौड़ से रिलेटेड अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि कोई कठिनाई ना हो।